देखो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो समान धन अंतर बराबर समांतर, समान धन अंतर बराबर समांतर, श्रेणी मतलब सीरीज है ना, ये सब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये क्या है, ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस क्या है, एक समांतर श्रेणी है। दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह और बीस क्या है, और आगे भी है, आगे भी है रे बाबा, इन्फिनिट। दिस इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है ना। तीन दूनी छह, तीन दिया नौ, तीन चौक बारह, तीनों पंजे पंद्रह, ये क्या है, समांतर श्रेणी है ना। जितने भी पहाड़े हैं सब समांतर श्रेणी है, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या कौन कौन सी, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, ये सब क्या है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, विषम नंबर है ना। विषम संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। कभी कोई पूछ ले बताओ ऑड नंबर, तो बोले ऑड मतलब क्या होता है, वो समझ जाएगा कि यार बच्चा कमजोर है, ऑड का मतलब मालूम नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत अंग्रेजी में भी हमें शब्दों को याद रख लेना चाहिए ना। ऑड नंबर यानी विषम संख्या, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, क्यों कहते हैं इनको विषम संख्या, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये संख्याएं दो के टेबल में नहीं आती है, ये संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। तो सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या वे सभी संख्याएं जो दो के टेबल में आती है, दो चार छ आठ है ना, ये सब संख्याएं, ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर, क्या कहते हैं, इवन नंबर है ना। चलिए है ना, अब आप समान धन अंतर इनके बीच में, अब इसको अपन इसको परिभाषित करेंगे। देखो अब हम समांतर श्रेणी की परिभाषा कैसे दें, अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं तो आप कैसे उसको हिंदी में बताएंगे, गणित में नहीं बताना, हिंदी में बताना, परिभाषा हिंदी में बताना पड़ती है। हाँ वेरी गुड, यू एंड टू, दो बच्चे तीन बच्चे, तीन जनों को समांतर श्रेणी की परिभाषा याद है क्या, तीन बच्चों को ही समांतर श्रेणी की परिभाषा याद कराई गई क्या, बाकी चार हो गए, चार ही को याद कराई थी, बाकी को नहीं बोला था क्या याद करने को, बाकी बच्चों से नहीं कहा क्या हमने याद करने को समांतर श्रेणी की परिभाषा, चार लड़कियों को याद है, लड़कों में से तो एक भी नहीं है। चलिए अब याद कर लेना, ऐसी श्रेणी, लिखो सब लिख लो, पहले कॉपी में लिख लोगे तो याद रहेगा, ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसके, ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो, किन्हीं भी दो कर्मागत पदों के मध्य, पदों के मध्य समान अंतर पाया जाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है, ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो पदों के मध्य समान अंतर पाया जाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। फ
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण सहित बताइए। तो उदाहरण में देखो आपके सामने कितने उदाहरण लिखे हुए हैं ना, ये सब समांतर श्रेणी के उदाहरण है ना, इनको हमने खड़ा लिख दिया। उदाहरण को हमने क्या कर दिया, खड़ा लिख दिया। आप चाहो तो आड़ा लिख दो इसको, है ना, है ना, इसको हम क्षैतिज रेखा में लिख दो। चलिए समांतर श्रेणी की परिभाषा हो गई, समझ में आ गई आपको, है ना। अब देखो, अब इसको अपन थोड़ा सा परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि भाई किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में, देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है बताओ, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, दो। अच्छा ये बताओ इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, दो। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, दो। अच्छा ये बताओ इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, एक। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, एक। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, एक। मतलब इस पूरी श्रेणी के अंदर, इस पूरी श्रेणी के अंदर किन्हीं भी दो कर्मागत पदों के बीच, किन्हीं भी दो कर्मागतों के बीच में समान अंतर पाया जाएगा। अंतर समान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे दो का अंतर आ गया, नहीं यहाँ पे कुछ और ही आ गया, समान अंतर आना चाहिए। समझ गए मेरी बात को, सबको बात समझ में आ गई, चल अच्छी बात है। तो समांतर श्रेणी से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, दृष्ट देना, है ना। अब हम समांतर श्रेणी से रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं, है ना। अभी मैंने अभी ऊर्ध्वाधर लिख दिए, समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल मैंने कैसे लिख दिए, ऊर्ध्वाधर। अब मैं क्षैतिज लिख दूंगा इनको, क्षैतिज तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको किताब में जैसे लिखी हुई ऐसी दिखेगी आपको। किताब में आपकी इस प्रकार से लिखा हुआ एपी, एपी बराबर आपकी किताब में ऐसे मिलेगा, एपी बराबर मिलेगा आपको 1, 5, 9 ऐसे। तो ये एक समांतर श्रेणी लिखी मैंने, ये भी एक समांतर श्रेणी है। क्यों है, अपन जांच कर लें क्या ये है या नहीं। चलो एक मैंने ये लिख दी, एक अब ये बताइए कि इन दोनों पदों के बीच में कितने का अंतर है, चार का। और इन दोनों के पदों में कितने का अंतर है, चार का अंतर है, है ना। चलो इनके पदों में कितने का अंतर है, छह का अंतर है। इनके पदों में कितने का अंतर है, आठ का अंतर है। इनके पदों में कितने का अंतर है, पांच का। तो ये एक समांतर श्रेणी है क्या, नहीं। ये समांतर श्रेणी है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अंतर असमान है। अंतर, अच्छा ये समांतर श्रेणी है क्या, क्योंकि अंतर समान है। चलो ये बात भी आपको क्लियर हो गई ना, कि अंतर कैसे होना चाहिए, आपके समान होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया आपने, बोले समांतर श्रेणी सर तो मन से लिख देते हैं, तो अपन भी क्या सर से कम पढ़ते हैं, अपन ही मन से लिख देते हैं। सर तुम मन से समांतर श्रेणी बना देते हैं तो अपने बना दो। सर कुछ सर ये मन से करा, सर अब मन से तो करा भैया, अच्छी बात है, मगर सही तो करा मन से, कभी भी मन से नहीं, दिमाग से बनाना पड़ती है समांतर श्रेणी। अब मैं दिमाग से बना लेता हूँ, अब तुम भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने तुमको आइडिया बता दिया कि अंतर समान होना चाहिए तो ही वो सही है, अन्यथा गलत है कि नहीं। सवाल ही गलत होगा तो फिर आगे से बात ही नहीं करना, क्योंकि उस पर सवाल पे तुम सवाल में हल करोगे तो क्या, तुमने तो सवाल ही गलत लिख दिया। चलो अब ये जो पहला पद है, पहले पद को अपन कैसे दर्शाते हैं, ऐसे ए बराबर कितना हो गया, पहला पद ए हो गया। अच्छा डी फॉर डिफरेंस होता है, इनमें कितने कितने का डिफरेंस है, चार चार, तो डी हो गया आपका चार, समझ गए डी कितना हो गया चार। अब 1, 5, 9 और मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख दिया, सातवां पद ज्ञात करो, सातवां पद बताओ, सातवां पद मुझे बताना है, मुझे सातवां पद कितना है, सातवें नंबर पे क्या आएगा। देखो पहले नंबर पे क्या है, एक। दूसरे नंबर पे क्या है, पांच। तीसरे नंबर पे क्या है, नौ। चौथे नंबर पे क्या आएगा, सात। चौथे नंबर पे क्या आएगा, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, और सातवें नंबर पे, सातवें पे कौन आ जाएगा, सातवें पे कितना आ जाएगा, 25 आएगा, चार जुड़ेगा ना भैया,
21 में 4 जुड़ेगा तो 25 होगा ना, तो इतनी जल्दी से तुम मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, इतनी जल्दी अभी तो सवाल की शुरुआत ही करी अपन ने, तो कंफ्यूजन शुरू कर दिया। चलो अब तुमने कितना बताया, सातवें नंबर पे कौन बैठा है, सातवें नंबर की कुर्सी पे 25 बैठा हुआ है। अब अपन ने चलो ये तो आप ने बता दिया, अब अपन ने ऐसे पता लगा लिया, अब सूत्र से अगर इसको हम करें, इसको हम अगर उत्तर लिख देंगे कि उत्तर सातवां पद ऐसा लिख दें, सातवां पद 25 है तो क्या नंबर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर दे सकता हूं आप, मगर जब ये सवाल आया दो नंबर का है या तीन का है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा तो नंबर मिलेंगे, उत्तर लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। अब कैसे करेंगे, सातवां पद हमें निकालना है तो सातवां पद कैसे निकाला जाए, सातवां पद निकालने का फार्मूला क्या है, सूत्र की मदद लेना पड़ेगी है ना। चलो सरवन तुम बताओ बेटा सातवां पद क्या होगा, सूत्र बोलो, सातवां पद निकालने का या एनवां पद निकालने का सूत्र क्या है, सूत्र बोलो। चलो ललित तुम बोलो बेटा क्या है, चल जाटवा तू बोल बेटा, एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एनवां पद ज्ञात करना है के तो बोल, जेब में से हाथ निकाल ले बेटा, है ना, पिताजी के सामने माताजी के सामने या गुरुजी के सामने कभी जेब में हाथ नहीं डालना है ना। चलो रोहित तुम बताओ बेटा सातवां पद क्या है, सातवां पद क्या निकालना है अपने को तो एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र पंकज बताओ बेटा, वेरी गुड, ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। एन माइनस वन बी, चलो बैठ जा भैया, तेरे को अलग से क्या बोलेंगे, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। चलो देखो एन वा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है ना, ये सूत्र है ना, यही सूत्र है। अब इस सूत्र में करना कुछ भी मन से नहीं है हमें, एन की जगह तो सातवा, तो एन वा सातवा तो एन की जगह सात आ जाएगा, या एन है तो एन की जगह कितना आ जाएगा सातवा, ए कितना भैया एक, एन कितना सात और डी कितना भैया चार, और इस प्रकार से ये आपका सवाल खत्म, सवाल ही हो गया, सात में से गया तो छह और का पाड़ा कितनी बार बोलना, गुणा करना है, छह का पाड़ा चार बार कितना हो गया, तो कितना उत्तर आ गया है, गलत है क्या ये, इतना ही आया था ना पहले भी, तो देखो पंकज देवदा ने बता दिया है ना। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल आप ही लोगों की मदद से करा है कि नहीं, कठिन था क्या ये, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, आपको सवाल को समझना है, सवाल अगर समझ में आ जाएगा तो बड़ी आसानी से कर पाओगे, सवाल समझ में आना चाहिए बस, और क्या, जिसको आ जाता है वो कर पाता है, जिसको नहीं आ पाता है वो अटक जाता है, बड़े सरल सवाल है। चलो अब दूसरा सवाल अपन, नब्बे 85 80 ग्यारहवा पद, कौन सा पद, ग्यारहवा पद हमें निकालना है, कौन सा पद निकालना हमें, ग्यारहवा पद निकालना है। इस सवाल को आप समझेंगे, बहुत सरल सवाल है, इस सवाल को अगर आप समझेंगे तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखो पहला पद कितना है, पहला पद कौन सा, मतलब a बराबर कितना, a बराबर 90, a बराबर कितना है 90, और d मतलब इनमें कितने कितने का अंतर है, तो अब यहां तो घट रहा है, ये घटते क्रम में, ये समांतर श्रेणी तो है मगर घटते क्रम में, मतलब कम हो रहे हैं, तो डिफरेंस 5-5 का तो है मगर ऋणात्मक है, उसमें बढ़ रहा था
तो धनात्मक, इसमें घट रहा है तो ऋणात्मक, कितने हैं? माइनस पांच। अब कौन सा पद निकालना? एन बराबर कितना? ग्यारह, एन की जगह ग्यारह। अब एन वा पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद ज्ञात करना हमें? एन वा। अब एन वा पद हमें ज्ञात करना है, तो पहले आप ऐसा दिमाग लगाइए आप ही चलो कि भाई एन वा पद हमें निकालना है, तो एन वा पद क्या होगा? देखो पहला पद तो ये 90, दूसरा 85, तीसरा 80, चौथा 75, पांचवा 70, छठा 65, सातवा 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। अब देख लेते करके अपना उत्तर की जांच अभी हो जाएगी, है कि नहीं? तो देखो फार्मूला क्या है, बोल तो बेटा, तू बोल बेटा रूप सिंह, बोल तो क्या सूत्र है एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, बोलो। ए प्लस यही है ना? सिट बेटा, वेरी गुड। तो एन की जगह कितना आ जाएगा बेटा? 11। एन की जगह 11, ए कितना बेटा? 90। और एन 11 और डी की जगह कितना आ जाएगा? ऋण का 5। 90, 11 में से गया तो ऋण का, चलिए देखो 10 का पारा, ये कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। कोष्टक का मतलब क्या होता है? और ये क्या का निशान? प्लस का, और अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो बीच में गुणा। तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। क्यों? क्योंकि अलग 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 सकल के निशान है तो माइनस है ना। फिर 10 पंजे 50, बताओ कितना आएगा? पहले कितना आया था? सही है कि गलत है? उत्तर की जांच भी हमने खुद ही कर ली। इस तरीके से सवालों को अंजाम दिया जाता है। समांतर श्रेणी बहुत अच्छी समांतर श्रेणी है और सरल है, बस इसको समझने की देर है। अगर समझ में आ गया तो आप कठिन से कठिन सवाल भी कर पाएंगे, मगर शर्त यही है कि आपको इसकी अवधारणा समझ में आना चाहिए। समांतर श्रेणी की अवधारणा क्या है, किस प्रकार से समांतर श्रेणी तैयार की जाती है, किस प्रकार से हल करते हैं, मान किस प्रकार से रखते हैं। फिर तो क्या तुम किताब लिख दो, ये जो किताब तुम पढ़ रहे हो ना, इससे अच्छी किताब तुम लिख सकते हो, इससे अच्छी लिख सकते हो। तुम यूनिवर्सिटी माध्यमिक शिक्षा मंडल में तुम्हारी किताबें पढ़ाना शुरू कर दे गवर्नमेंट, वह लिखने की कोशिश करो, जबकि लिखो किताब लिख दो। सर देखो सर आज मैंने 20 सवाल बनाए, मन से बना के लाओ सवाल 20, ये भी क्या इन्होंने सब मन से बनाया, कहीं से लिए थोड़ी किताब के अंदर। और मैं ये जो सवाल दे रहा हूँ क्या कहीं इस किताब से दे रहा हूँ क्या? मन से दे रहा हूँ। समझ में आ गई? बस इस टाइप के सवाल आएंगे, कर देना, है ना। चलो अब बात करते हैं अपन, जैसे अभी तो अपन ने समांतर श्रेणी की बात करी, तो सरल वाली समांतर श्रेणी की बात करी अपन, ये तो वो सरल समांतर श्रेणी थी। कभी मान लो वो ऐसी समांतर श्रेणी दे दे 2.5, फिर 5.5, फिर 8.5, ऐसी समांतर श्रेणी दे दे वो, कि 2.5 कामा 3.5 कामा 8.5 का 8वां पद ज्ञात करो। 8वां पद बताओ, 8वां पद बताओ। अब इसका 8वां पद हमें निकालना है, यह भी एक समांतर श्रेणी है। दशमलव में 2.5
5.5, 8.5, कितने कितने का अंतर आ रहा है बताओ? हरिओम तुम बताओ, इन दोनों में कितने का अंतर है? 2.5 और 5.5 में अंतर कितने का है? 2.5 और 5.5 में कितने का अंतर है? तुम्हारी दुकान है ना, दुकान चलाता है तो तू तो बता सकता है। 2.5 और फिर 5.5 में कितने का अंतर है? जोर से बोल है? अरे 2.5 मतलब 2 किलो और आधा किलो, 2 किलो और 500 ग्राम मतलब 2.5 किलो। 2.5 का मतलब है 2.5 किलो। तेरे यहां पे कोई आया 2.5 किलो बेसन दे दे, फिर दूसरा गया उसने बोला 5.5 किलो दे दे, 5.5 किलो बेसन दे दे मतलब 5.5 किलो, 5 किलो और 500 ग्राम, 5 किलो 500 ग्राम मतलब 5.5 किलो। एक ग्राहक कितना ले गया? एक ग्राहक 2.5 किलो, दूसरा 5.5 किलो। एक 2.5 किलो, एक 5.5 किलो, बताओ कितना का अंतर है उन दोनों ग्राहकों में? कितने कितने का अंतर आया तुम बताओ बेटा? 3.5 किलो का अंतर बता रहा है विशाल भैया। हरिओम भैया कितने का बता रहा है? 2.5 किलो का भैया बता रहा है। रोहित तू कितने का अंतर बताएगा? एक तू बेसन खरीद के लाया 2.5 किलो और श्रवण खरीद के लाया 5.5 किलो, तो बताओ श्रवण और तेर में कितने का अंतर है? कौन ज्यादा ले गया? श्रवण ज्यादा खरीद के ले गया ना, कितना ज्यादा खरीदा इसने तेर से? इसने तेर से कितना ज्यादा बेसन खरीदा? 3.5 किलो ज्यादा खरीद लिया ना इसने। रोहित सही बात है ना ये? श्रवण तू बता, तू 5.5 किलो बेसन लेके खरीद के आया, घर पे कितना लाया? 5.5 किलो बेसन खरीद के लाया हरिओम की दुकान से, और ये मुनिया ये 2.5 किलो खरीद के लाया, तो तू बता मुनिया से कितना ज्यादा खरीद के लाया? वेरी गुड, जोर से बोल। 3.5 किलो तू भी ज्यादा खरीद के लाया। अरे वाह, दसवीं में ना तू, दसवीं का बहुत प्यारा बच्चा है भोला, इसकी शक्ल कितनी अच्छी, नाम ही रख दो इसका भोला रख दो। चलो अब चेतना तू बता बेटा, देखो ये 2.5 किलो और ये 5.5 किलो कितने का अंतर है बेटा इसमें इनमें? अंतर है ना इनमें, बराबर है ना दोनों, कोई अंतर नहीं है ना? है कितने का अंतर है बेटा बोल? वेरी गुड, जोर से बोल। 3.5 किलो का अंतर बताती है चेतना प्रजापत, बहुत दिमाग है इस बच्ची में। अब तुम यही नहीं बता पा रहे हो कितने का अंतर है तो फिर कैसे काम चलेगा? नर्मदा तू बता बेटा, 3 का अंतर है भैया, 3 किलो का अंतर है, 3 किलो ज्यादा बेसन खरीदा इसने। ए दुकान वाले, क्या दुकान चला रही है यार तू? ऐसी दुकान चलाएगा तू, पप्पा का दिवाला निकाल देगा। चलो बैठ जाओ। एक ले गया 2.5 किलो, दूसरा ले गया 5.5 किलो, तो भैया 3 का अंतर हुआ ना रे। जैसे 2.5 इसमें 3 जोड़ दे तो 5 का 5, 3 2 5, तो 3 किलो ज्यादा लिया। 3.5 अगर मान लो तूने 3.5 किलो ज्यादा लिया होता तो फिर 3.5 जोड़ते, तो 3.5 जोड़ते तो फिर तो 7 होना चाहिए था इसके पास, नहीं सॉरी 6 होना चाहिए था। अगर मान लो वो 2.5 किलो खरीदता है तो इसको तो 6 किलो खरीदना पड़ेगा, जब भी तो ज्यादा होगा ना 3.5, तो फिर थोड़ा सा रखो यार, सिंपल बातें हैं ये। बेसन लेके मैंने समझा दिया, बेसन तो तुम खाते हो ना भुजिया बना बना के, और बेसन से भी नहीं समझ में आ रही तुमको बात, जबकि इसमें बेसन नहीं है ये डिजिट है, मगर मैं तुमको बेसन पे ले गया, हरिओम की दुकान तक खोल दी मैंने।
फिर भी बात समझ में नहीं आई। चलो अब फिर देखो इधर देखो, पांच में तीन जुड़ गए कितने हो गए, आठ दशमलव के दशमलव। तो हमें कौन सा पद निकालना है, आठवां पद। तो देखो ढाई किलो, साढ़े पांच किलो, साढ़े आठ किलो, साढ़े ग्यारह किलो, साढ़े चौदह किलो, साढ़े सत्रह किलो, साढ़े बाईस किलो, साढ़े तेईस किलो। समझ रहे मेरी बात को, बताओ आठवें नंबर पे कौन आएगा, आठवें नंबर पे कितना आएगा, जोड़ते जाओ। देखो साढ़े ग्यारह, साढ़े आठ से साढ़े ग्यारह, साढ़े ग्यारह से साढ़े चौदह, साढ़े चौदह से साढ़े सत्रह, साढ़े सत्रह से साढ़े इक्कीस, नहीं साढ़े बीस, साढ़े बीस, साढ़े बीस से साढ़े तेईस, साढ़े तेईस से साढ़े तेईस से साढ़े छब्बीस। एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठवें नंबर पे कौन है, साढ़े तेईस उत्तर आना चाहिए। करके देख लेते हैं अपन, सूत्र की मदद से करके देखते हैं, है ना। चलो सूत्र क्या कहता है आपका, पी एन इज इक्वल टू, सूत्र बोलो, ए प्लस एन माइनस वन डी, पी आठ, एन की जगह आठ, ए कितना भैया दो दशमलव पांच धन आठ ऋण एक, और डी कितना है, डी कितना है, कितने कितने का अंतर है भैया, तीन तीन का अंतर है ना, बी ए 2.5 प्लस आठ में से एक गया तो सातिया 21, 21 और दो, 21 और दो, 21 और दो 23, और दशमलव का दशमलव, साढ़े तेईस आ गया कि नहीं, कर दिया ना हमने साढ़े तेईस, बता दिया ना। तो हमने पहले आपको इसको मौखिक करके भी दिखाया, फिर लिखित करके भी दिखा दिया, ओरल एंड रिटन, मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से सवाल समझाया आपको, है ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको दोनों विधि से बता दिया, ठीक है ना। अब मान लो ऐसा पूछे, वो सवाल इस तरीके से पूछ सकता हूं आपसे, किस तरीके से, जैसे कि यहां पे लिख दिया उसने तीन सात तीन चार चार इकतीस, ये सवाल तीन सात दस 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 इकतीस, मैं पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या बताओ, इसमें कितने पद हैं। अब आपको ये बताना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, क्या अब आपको क्या करना है, देखो पहला पद कितना, दूसरा कितना, तीसरा पता नहीं, चौथा पता नहीं, और आखिरी पद कितना, आखिरी में इकतीस है। तो बताओ कितने पद कितने हैं इसमें, आखिरी नंबर पे इकतीस है, दूसरे नंबर पे सात बैठा है, ये देखो पहले पे, ये दूसरे पे, है ना, ये तीसरे पे, तो ये कौन से नंबर पे, ये कौन से नंबर पे है, ये पंद्रहवें नंबर पे है कि सोलहवें पे है कि सत्रहवें पे है कि अठारहवें पे है, उन्नीसवें पे, कौन से नंबर पे बैठा है इकतीस। तो माना, माना कि एनवें नंबर पे बैठा है, एन कुछ भी हो सकता है, इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, कौन सी सीट पे बैठा है, कौन सी सीट नंबर है, इसकी सीट नंबर मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो माना कि एन नंबर की सीट पे बैठा है, कौन से नंबर की सीट पे बैठा है, एन नंबर की सीट पे, तो एन वापस बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, एन वापद कौन सा है,
एनवे नंबर पे कौन बैठा है? 31 बैठा है, तो यहाँ पे 31 आएगा। एनवे सीट पे कौन बैठा? 31 बैठा। ए कितना है? ए बोलो, ए कितना है? ए तीन है। एन मालूम है? एन वही सीट पे बैठा हुआ, एन तो निकालना है। ये तो टी एन का मान है, ये टी एन है। एन एन वी सीट पे जो आदमी बैठा हुआ है वो 31 है ना। एन यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालना है। कितने पद है इसमें? 15 पद है कि 20 पद है, तो एन तो निकालना है। यहां पे भी 31 मत लिख देना, ये गलती मत कर देना। और डी कितना है? इनमें कितने कितने का अंतर है? चार चार का अंतर है। चलो 31, ये धन के तीन उठ के इधर आएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे? ऋण के तीन है ना, ये धन के है ना, उठ के इधर आए ऋण के हो गए। 31 में से तीन जाएंगे तो कितने बचेंगे? 28 बचेंगे ना। 31 रुपए में से 3 रुपए घट गए तो 31 में से 3 गए तो, और 4 क्या में है? गुणा में, तो 4 कहां आ जाएगा? गुणा वाली चीज बटे में, बराबर एन माइनस वन। 4 से 28 कितनी बार मरेगा? 400 28 कितनी बार कटा? 7 बार। तो यहां लिख देंगे 7 बराबर एन माइनस वन, 7 बराबर एन माइनस वन, 7 बराबर एन माइनस वन। क्या आया आपका? आपका आया 7 बराबर एन माइनस वन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा भैया? ऋण का एक उठ के इधर आएगा तो क्या कहोगे? धन का एक। तो ये बताओ 7 और 1 कितने हो गए? एन बराबर 8। आठवें नंबर पे 31 बैठा हुआ है, आठवें नंबर पे कौन बैठा है? 31। अब जांच करके देख लेते हैं, है ना, जांच करके देख लेते हैं अपन किस प्रकार से। पहला क्या था आपका? तीन। फिर कितना था? फिर कितना था? फिर कितना था? फिर कितना? फिर तीन, तीन, फिर 31। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आठवें नंबर पे कौन बैठा है? आठवीं सीट पे कौन है? 31 बैठा। तो अपन ने जांच भी कर ली, ये हमारे उत्तर की जांच हो गई कि हमारा उत्तर सही है कि आठवें नंबर की सीट पे 31 ही बैठा है। आठवें नंबर की सीट 31 की है, 31 किसी का भी नाम हो सकता है कि भाई आठवें नंबर की सीट हरिओम की है, ये हरिओम है क्या? यो रूप सिंह, पंकज जाटवा, पंकज विशाल, सरवन, रोहित और यो हरिओम, यो हरिओम। आठवां नंबर पे कौन बैठो? हरिओम बैठो टोपी लगा के है। तो इस तरीके से आप सवाल की भावना को समझेंगे, सवाल की अवधारणा को समझेंगे, और जब सवाल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो उसको हवा में कर देंगे। सवाल समझ में आ गया तो हवा में कर दो, हवा में मतलब मौखिक बन जाता है, लिखित सवाल मौखिक हो जाता है, मगर कब? जब सवाल समझ में आता है, समझेगे नहीं, वरना गणित तो फिर गणित है ना। गणित को रोज करो, ऐसा नहीं कि भाई आज कर ली, दो दिन बाद फिर गणित करी, फिर आज कर ली, फिर तीन दिन बाद गणित करी, तो ऐसे जीरो नंबर आएंगे। गणित में डबल जीरो भी आते हैं, गणित में या तो राइट होता है, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें या तो राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। गणित में या तो राइट होता है या रॉन्ग होता है, गणित में या तो यस होता है या नो होता है, या तो अच्छे नंबर आएंगे और नहीं तो फिर जीरो आएंगे। सवाल सही है तो नंबर पूरे, सवाल गलत है तो जीरो। ऐसा नहीं कि कुछ भी, चार का है तो तीन दे दो, चार का है तो दो दे दो, सही करा तो चार दे दो, एवरेज दे दो, ऐसा नहीं होता है। सही तो पूरे, गलत तो जीरो,
सही तो पूरे, गलत तो जीरो। ये गणित की, गणित फैक्ट पे आधारित होती है, सत्य पे आधारित होती है, उसमें आधा सच और आधा झूठ नहीं होता है, समझे कि नहीं?